हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल रही थी और पूजा सिस्टर ने पूछा था कि मैं वीडियो क्यों नहीं डाल रही हूँ। तो आज मैं बताती हूँ कि मेरे यहाँ क्या हुआ। लगभग जब से ये चैत का नवरात्र शुरू हुआ था तब से ही मेरे घर में कुछ ना कुछ परेशानी शुरू हो गई थी, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई। तो शुरुआत तो यूँ हुई कि मैंने पड़ोस की एक चाची जो मेरे ससुराल में, वहाँ जो होता है कि सबके पूर्वज जिनके एक ही पूर्वज हो, तो उन लोग अगर मैंने कोई मरता है तो मैंने पूरे लोगों को मैंने 10 दिन 12 दिन तक, जब तक तेल भी नहीं होती है तब तक पूजा पाठ सब बंद होता है। तो इस वजह से चैत्र का जिस दिन नवरात्र पहला दिन था उस दिन उनका 10 कर्म था, यानी 10वां दिन था। और फिर एकादशा द्वादशा जो भी होता है, कर्मी 12वीं जो भी कर्म होते हैं, तो 3 दिन ऐसे ही निकल गया, कलश स्थापना नहीं हो पाई। मैंने जैसे तैसे मैंने 3 दिन के बाद जब वो ख़त्म हुआ छूत सोच, तो मैं जैसे तैसे अपना पूजा पाठ कर पाई। और उसमें भी क्या हुआ कि मैं मंदिर जा रही थी शाम के समय संध्या पूजन के लिए, तो उसमें डॉलर यानी मेरे डॉगी का एक्सीडेंट, पहला दिन उसका एक्सीडेंट हो गया। उसमें भी उसके सर में चोट आई थी और थोड़ा सा पैर भी, तो वो ठीक हो गया। तत्काल दवाई मंगवा कर दिया तो आराम मिल गया उसे, वो श्योर हो गया। बट फिर 3 मैंने वो उसका एक्सीडेंट हुआ, उसको तो मैंने देखभाल किया, ठीक हुआ। उसके बाद फिर हस्बैंड का यूरिक एसिड भी बढ़ गया, ब्लड शुगर भी हल्का सा बढ़ा हुआ था और बीपी भी बढ़ा हुआ था, और यूरिक एसिड ने इतना उनको परेशान किया कि पैर में स्वेलिंग हो गया, दर्द से एकदम बेचैन हो गए थे। तो इसमें मैं क्या वीडियो बनाऊँ, आप ही लोग बताइए क्या वो समय वीडियो बनाने लायक था, क्या मैं दिखाती किसी को कि मेरे पति दर्द से तड़प रहे हैं। तो मैं उस समय में वीडियो नहीं बना पाई, मुझे नहीं इच्छा हुई कि मैं कैमरा को टच करूं। फिर उसके बाद 4-5 दिन तक लगभग पति का ही सेवा में लगी रही, बहुत ज़्यादा तकलीफ और दवाई पर मैंने एक दर्द उनका आराम हुआ, यूरिक एसिड वाला स्वेलिंग कम हुआ, पेन कम हुआ, तो फिर चक्कर आना शुरू हो गया। 3 दिन या 4 दिन लगभग वो पैर के स्वेलिंग और पेन से छटपट आते रहे, फिर उसके बाद उनको चक्कर आना शुरू हो गया। 3 दिन तक उस चक्कर से बेचैन रहे, फिर उसके बाद उनको जब थोड़ा सा वो श्योर हुए क्योर हुए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि अमन का एक्सीडेंट हो गया। और अमन का एक्सीडेंट हुआ तो बुरी तरह से वो जख्मी हो गया है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि क्या उसका स्थिति है। अभी उसका प्लास्टर नहीं कटा है, पैर में थोड़ा सा है, घुटना में वो क्या कहते हैं जॉइंट जो होता है वो अलग हो गया था उसका, और चेहरा भी एकदम बिगड़ गया था एक्सीडेंट की वजह से। और वो देखिए, वो अभी तक श्योर नहीं हुआ कि फिर से डॉलर यानी रोगी को फिर से उसका एक्सीडेंट हो गया। फिर भी जैसे तैसे एनिवर्सरी थी तो मैं नहीं चाह रही थी, लेकिन बच्चों ने जिद करके, हस्बैंड ने जिद करके कि क्या करोगी, इसी थोड़ा बहुत नहीं कुछ करो, तो वो ज़बरदस्ती उन लोगों ने वीडियो डलवा दिया। जो फोटोज़ मेरे पास थे उन्हीं को एडिट करके वीडियो, मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाल दिया था। तो फिर मिलते हैं आप लोग को दूसरे वीडियो के साथ, तब तक आप लोगों से लेती हूँ विदा। और क्या कहूँ, जब हाँ आप कुछ हालात सुधार हैं तो अब मैं धीरे धीरे थोड़ा कोशिश करूँगी कि आप लोग के लिए वीडियो मैं अपलोड करूँ। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।